नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, दुबई की आपको बता दूं कि भाई दुबई तो वैसे भी द बेस्ट ही हर बार रहता है। कोरोना से अपडेट भी बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे जो आपको अच्छी लगेगी और आपका भविष्य भी तय होता है इन बातों से। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि भाई विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएई दुबई में कोरोना अपडेट, कोरोना की क्या कंडीशन है, कहाँ तक उन्होंने कंट्रोल इसको कर लिया है। तो अगर बात करें 4 जुलाई तक की बात करें, 50,827 के करीब अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, और उनमें से भाई लगभग 40,000 को रिकवर कर लिया गया, यानी एवरेज माने कि 10,000 का आंकड़ा है। तो भाई 10,000 का आंकड़ा कोई ज़्यादा नहीं है इतनी बड़ी सिटी में, तो ये मान सकता हूँ कि सबसे कम आंकड़े हैं। और डेथ की बात करें तो मात्र 321 डेथ अभी तक दुबई यूएई में हुई हैं। मैंने 10 दिन पहले ही आंकड़े बताए थे, तब 310 के करीब थे, यानी पर डे एक आदमी मौत हो रही है। तो ज़्यादा भाई बहुत ये मान लो कम है, बहुत कम है, अच्छी बात रही। इसी को दुबई यूएई ने गवर्नमेंट ने इस पर कंट्रोल करते हुए अच्छा कदम उठाया, इस वजह से इसको कंट्रोल कर लिया गया। इसी वजह से भाई दुबई सबसे पहले रीस्टार्ट हो गया COVID-19 वाली सभी कंट्रीज में, सबसे पहले सबसे ज़्यादा सर्विस देने वाला यूएई दुबई बना है। जी हाँ, और इनकी तरफ से आपको पता भाई हर चीज़ में छूट हो गई है, सब रूटीन में आ चुका है, फ्लाइट भी स्टार्ट हो चुकी है, इंटरनेशनल फ्लाइटें दुबई से रिलेटेड आपको पता ही होगा। दुबई के बड़े एक डॉक्टर हैं साथियों, जिन्होंने कोरोना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, डॉक्टर आदिल मोहम्मद यासीन। जी हाँ साथियों, उन्होंने ये बताया है कि भाई कोरोना को चलते हुए लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं। तो साथियों एक्चुअल में होता क्या है कि जो कीटाणु मान लीजिए, हालांकि हमें इसको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टरी भाषा इन्होंने बताया कि ये काफ़ी टाइम से लंबा चल रहा है, जिनको हम बोल सकते हैं वायरस, तो इसकी फिर स्थिति पकड़ है ना, वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो इस वजह से इसको फिर इतना इफेक्ट नहीं डाल पाता है। अभी देख सकते हैं दूसरों की पहले की बजाय बहुत कम लोग अभी मर रहे हैं, रिकवर लोग ज़्यादा हो रहे हैं, इसका यही एक बड़ा रीज़न है। इंडिया में भी एक 95 ईयर्स ओल्ड मैन, जी हाँ साथियों, रिकवर होके वापस घर आ चुका है, 95 साल का बंदा, बूढ़ा आदमी जिसको कोरोना हो गया था, वापस घर पहुँच चुका है ठीक होके, तो इसका एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। और डॉक्टर साहब ने यहाँ बताया यासीन खान ने कि भाई इसी वजह से दुबई के 15 बड़े हॉस्पिटल हैं, उन्होंने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया। जी हाँ साथियों, उन बड़े हॉस्पिटलों में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। जी हाँ, और ये भाई दुबई यूएई की सबसे बड़ी जीत है कि 12 बड़े हॉस्पिटल में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है, सब एकदम फ्री हो गए और हॉस्पिटल अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया। बात को साथियों ध्यान में रखते हुए बता दूं, दुबई में एक सर्वे हुआ था, यूएई में आप मान सकते हैं पूरा यूएई में 8,000 लोगों पे एक सर्वे किया गया था, एक एजेंसी की, सर्वे एजेंसी की तरफ से। तो उनको ये पूछा गया कि भाई आप अपने जॉब को लेके कितना सिक्योर हैं। जी हाँ साथियों, कि भाई आपको लगता है कोरोना की वजह से आपके जॉब जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रियों में जॉब जा रहे हैं और कई कंट्रियों में तो पूरे के पूरे साफ हो गए, 70% लोगों की जॉब चली गई। जी हाँ, तो दुबई वे में साथियों लोगों से राय ली गई कि भाई आप अपने जॉब को लेके कितना सिक्योर है, आपको क्या लगता है कि आपका जॉब बच पाएगा। तो बता दूं साथियों 78% लोगों ने ये बोला जी हाँ हमारा जॉब सुरक्षित है, हमें जॉब से कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है साथियों, 100 में से लगभग 80% लोगों ने ये बोला कि हमारा जॉब सुरक्षित है। तो ये आप मान सकते हैं कि दुबई वे में सबसे कम लोगों की जॉब गई है। जी हाँ, और देशों की बजाय सबसे कम जॉब खत्म होने वाली है दुबई में। तो भाई जहाँ वही डटे रहिए, जॉब की टेंशन न लें, सर्वे के हिसाब से भी बाकी दुबई रीस्टार्ट हो चुका है। बस ये जानकारी आपको देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड से इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।